देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आज अजमेर शहर कांग्रेस ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही उनके योगदान को याद करते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर अजमेर शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के अलावा पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व विधायक श्री गोपाल वाहेती, पूर्व पीसीसी सचिव महेंद्र सिंह रलावता के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विजय जैन ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 23 को प्रगति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी के समय देश के हालात खराब थे, ऐसे में उन्होंने देश को प्रगति देने का काम किया और कई ऐसी संस्थाएं बनाई जिससे आज भी देश आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसी शख्सियत थे जो कि भारत ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने उस वक्त जब हमारे देश के अंदर एक सुई तक नहीं बनती थी, हमारे देश के अंदर खाने के लिए अन्न नहीं था और लोगों को के लिए कोई रोज़गार नहीं था, ऐसी भुखमरी और गरीबी की स्थिति में हमारे देश को करके जब छोड़ के गए अंग्रेज, उस स्थिति में उन्होंने हमारे देश को आधुनिक भारत के रूप में जो अगर किसी ने विकसित किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। उनके किए हुए कार्य, चाहे वो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के रूप में हो, चाहे वो IIT हो, चाहे हमारे देश के अंदर बड़े बड़े इसरो इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी बड़े बड़े हमारे देश के अंदर उपक्रम लगे हुए हैं, आज वो देन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है, जिसके ऊपर हमारा देश आज विश्व के अंदर एक ताकत के रूप में उभरा है। हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें बहुत बहुत सशस्त्र नमन, सशस्त्र वंदन।